जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 4:07 हुई है। सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं, इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है, इसको पढ़े बिना आप मेरा वीडियो मत देखिए। परीक्षा हमारी बहुत हो रही है, 4:07, ठीक है। अभी मुझे नहीं मालूम है SGX क्या है और डाउ क्या, उससे कुछ लेना देना नहीं रहता है। सीधा मैं आपको मार्केट दिखाता हूँ। तो आज आपने देखा कि एक तो माइनस में क्लोजिंग आई है, दूसरा ओपनिंग से भी नीचे क्लोजिंग आई है, तीसरा गुरुवार के दिन हाई बन गया, यानी कि अब किसी भी केस में ये मंगलवार तक नहीं टूटेगा क्योंकि हम हाई से काफ़ी नीचे क्लोज किया। सबसे पहली बात, आज 490 का नया हाई बना, वहाँ पे वो गैप भी फिलअप हो गया जो गैप अभी तक जीवित था, अनफिल्ड 457। अब ये मार्केट टॉप बन गया कि नहीं ये भी मैं आपको समझाऊंगा। अब यहाँ से करेक्शन कितना आएगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा। बिना स्किप किए देखिएगा, 5-10 करोड़ की नॉलेज बांट रहा हूँ इस वीडियो में, 5-10 करोड़ की, जो आपको कोई नहीं बताएगा जल्दी से, ठीक है। अभी बात बताऊंगा। पहला सिग्नल देखिए, अगर मैं नॉर्मल चार्ट लगाऊँ, कैंडलस्टिक, बैंक निफ्टी, कल इसका क्या है, क्रेडिट पॉलिसी, एक बड़ा हैंगिंग मैन बोल सकते हो, भले ही इसका थोड़ा सा बॉडी थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ये हैंगिंग मैन का काम करेगा। इसने एक ही दिन में अपने 10 EMA को छू दिया, इसका 10 EMA था 281, एक ही दिन में। कहाँ से, अपने 10 EMA से कहाँ खड़ा था, ये 1000 पॉइंट दूर था। आज का हाई है 231 और आज का लो बना दिया 249, 1000 पॉइंट गिरा आज के हाई से, ठीक है, जस्ट टू किस दिस 10 EMA। अब इसका अगला पड़ाव क्या होगा, इसकी 20 EMA, यानी कि आपको कल की डेट में ये फिगर देखने मिल जाएगा 36,500। उससे ज़्यादा गिरता है तो 35,600, लेकिन कल मुझे 36,500 ईजीली अचीव होने वाला लग रहा है, कल की डेट में 36,500। एक बार ऊपर भी जाएगा बिफोर क्रेडिट पॉलिसी, ऐसा नहीं कि एकदम, लेकिन कल 36,520 का टारगेट आपको मैं दे रहा हूँ, 36,520 कल आपको देखने मिलेगा बैंक निफ्टी में, जबकि आज का लो है 37,249। मैं ऊपर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, बैंक निफ्टी ने भी आज एक नया हाई बनाया, क्योंकि अभी तक का हाई इसका 179 था, आज इसने 231 के ऊपर का हाई बनाया, लेकिन क्लोजिंग करते हुए किसने पिछले दोनों दिन से नीचे क्लोज किया, इनफैक्ट पिछले 3 दिन का लोएस्ट क्लोजिंग है। देखिए मंडे की क्लोज थी इसकी 37,903, ट्यूसडे की क्लोज थी इसकी 38,024, वेनेसडे की क्लोज थी 37,990, आज इसने वीक की लोवेस्ट क्लोजिंग दी है 37,755। इस पूरी वीक की लोवेस्ट क्लोजिंग आज आई है, तो इसका वीकली चार्ट देखना भी बनता है। देखिए अब ये और खतरनाक गिरावट का मोड़ पकड़ लेगा, अगर पिछले वीक की जो क्लोजिंग थी 37,490 के नीचे निकल गया तो। सैंतीस 490 कल जैसे ही टूटे आप लोग शॉर्ट मार दीजिए, 37,490 नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो 36,500 जो मैं टारगेट दे रहा हूँ, 36,520 वो कल ही दिख जाएगा। तो बैंक निफ्टी मैंने आपको बता दिया। अब इसको और एक तरीका होता है हेकेनासी कैंडल से, तो वो भी मैं दिखा दूँ। देखिए हेकेनासी में क्या होता है, जब तक बुल रैली में ऊपर वीक बन रही है, नीचे कोई वीक नहीं बन रही है, तब तक बुल रैली सलामत है। तो यहाँ देखिए सब जगह ऊपर वीक बन रही है, यहाँ
यहाँ 2 दिन इसने टर्न अराउंड का ट्राई किया लेकिन कुछ नहीं हुआ, ठीक है। फिर से इसने ऊपर, ये टर्न अराउंड के बाद इसके नीचे क्लोजिंग आनी जरूरी होती है, ठीक है। यहाँ ऊपर रैली, ऊपर ऊपर, लेकिन अब ट्रेंड थोड़ा सा फीका पड़ गया था जब कल वाला कैंडल ऊपर तो वीक बनी लेकिन छोटी सी कैंडल बनी, और आज इसने एक टर्न अराउंड कैंडल बना दी। अब कल इसके नीचे की क्लोज मिलेगी 90% चांसेस है। आज के लो के नीचे कल मार्केट क्लोज करेगा बैंक निफ्टी में, 37,231 के नीचे कल क्लोज करेगा। इसको आप कहीं पे भी लिख लीजिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग निफ्टी पे। निफ्टी ने भी यहाँ है ना, सी बाद में देखेंगे, निफ्टी ने भी एक हैंगिंग बैंड बनाया और बहुत तगड़ा हैंगिंग बैंड बनाया और हाई बना के, लेकिन निफ्टी ने इसके बावजूद भी सेकेंड हाईएस्ट क्लोजिंग दिया। बैंक निफ्टी ने इस पूरी वीक की लोवेस्ट क्लोजिंग दिया है 755 पे, लेकिन निफ्टी ने आज इसके बावजूद भी सेकेंड हाईएस्ट क्लोजिंग दिया। अब आ जाते हैं निफ्टी में, आज वो गैप फिलअप हो गया। पहला अच्छा पॉइंट, ये गैप जो था इट गोट फिल्ड अप, ओके। और जब गैप फिलअप करने के बाद ऐसी गंदी कैंडल बनती है, इसका मतलब करेक्शन इज कन्फर्म। अब कल तक का टारगेट मैंने 16,980 दिया था, आज मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, कल तक का टारगेट आपका 17,040 लिख लीजिए। पहले 16,900 बोला था, उसके बाद कल के वीडियो में 16,980 बोला था, और आज बोल रहा हूँ 17,040, ठीक है। कल तक का टारगेट 17,040 आपको एट एनी कॉस्ट देखने मिलेगा कल, एट एनी कॉस्ट। जबकि आज का लो है 17,161, मगर क्लोज कहाँ पे हुए, 17,382। तो मैं 382 पे आप क्लोज हुए, मैं 17,040 कल का टारगेट दे रहा हूँ मिनिमम। हो सकता है 980-940 भी आ जाए, लेकिन मेरा जो टारगेट था वो पहले मैंने 900 बोला था फ्राइडे तक, अब 980 बोला। और दूसरी आज एक बड़ी अचीवमेंट करके दिखाया, 166 कल भी आपको बोला, कल आपको दिख जाए, दिख गया आज, क्योंकि 161 का लो बना है। अब आ जाते हैं कि अब पॉसिबल टारगेट्स क्या, अगर यही हाई बन गया तो हाई कितना बना, यहाँ से निफ्टी कितना रैली किया, ये 15,183 से 17,490, दिस वॉज द रैली। 17 जून को लो था, देखिए 17 जून को 15,183 पे था, एंड टुडे 17,490 का हाई बना लिया, ठीक है। तो इसको अगर हम मोटा मोटा देखेंगे तो ये 2307 पॉइंट्स की रैली कर चुका है, आज तक गिनो तो 48 कैलेंडर डेज चला गया, ट्रेडिंग डेज नहीं बोल रहा हूं मैं, 48 कैलेंडर डेज में निफ्टी ने कितना रैली किया यहां से यहां तक। आप इतिहास निकाल लो, कोई भी अगर एक रैली चलती है नॉन स्टॉप तो वो 45 to 48 डेज चलती है, उसके बाद मिनिमम करेक्शन कितना आना पड़ता है, मिनिमम करेक्शन 23.6% आना पड़ता है। अगर वो रैली 1900 पॉइंट तक की है निफ्टी में, लेकिन ये वाली रैली मोर देन 1900 पॉइंट है, तो इसमें मिनिमम करेक्शन 38.2% आना पड़ेगा, किसका, 2307 का, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको कोई दुनिया का कोई शख्स एक्सप्लेन नहीं करेगा। अब आ जाते हैं, मैंने आपके लिए तैयार कर रखा है,
ये फिगर की करेक्शन के लेवल्स क्या क्या आप लोग चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, मैं इसको दिखा देता हूँ। ये मेरे खुद की हैंडराइटिंग है, थोड़ी डॉक्टर स्टाइल है। निफ्टी हाई सो फार 17,490, लो सो फार 15,183, टोटल माइनस करोगे तो 2,307 पॉइंट का रैली हुआ। अब मिनिमम करेक्शन मैंने क्या बोला, 23.6% ऑफ 2,307 माइनस 17,490, तो पहला टारगेट आता है 16,946। व्हाट इज़ द फर्स्ट टारगेट, 16,946। ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा, चाहे इसकी फोटो ले लीजिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा स्क्वीज कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट 38.2% अगर करेक्शन आता, क्योंकि आएगा, इसका कारण क्या है, कारण ये है कि ये 1900 पॉइंट से ज़्यादा की रैली हुई, तो उसमें इससे कम करेक्शन आए बिना मानेगा नहीं। तो हमारा सेकेंड टारगेट तो ऑलमोस्ट कंफर्म है कि 16,608 तो निफ्टी आएगा ही आएगा आने वाले दिनों में, ठीक है। हो सकता है फर्स्ट टारगेट तो हम कल ही देख लें, क्योंकि कल का मैं टारगेट 17,040 दे रहा हूँ, तो उससे 100 पॉइंट नीचे गिरा तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। थर्ड टारगेट अगर करेक्शन कंटिन्यू रहता है तो 50% ऑफ 2307 माइनस 17,490 इजिकल टू 16,337। ये सब आप नोट कर लीजिए, तो आपको आप ट्रेडिंग करने में बहुत आसानी होगी। मैंने कल भी आपको बोला सिर्फ ये 408 के ऊपर क्लोज नहीं करना चाहिए, बाकी सब कुछ ठीक है। और आपको कल मैं 166 भी दिखाऊंगा, तो एग्जैक्टली 161 आया था, ठीक है। तो मेरी दोनों बातें पूरी हुई ना, तो ये 408 के ऊपर क्लोज किया। 408 क्या फिगर था, 138.2% था वो, किसका, जो टोटल फॉल हुई थी 1610 पॉइंट, कितनी हुई थी 1610 पॉइंट फॉल हुई थी ना, 16,793 से। ये देखिए ये टोटल फॉल हुई थी 16,793 से 15,183, तो इस फॉल को हम लोग टोटल काउंट करें तो 1610 पॉइंट की फॉल थी, उसकी जगह हमने 2307 पॉइंट का रैली कर दिया। तो 1610 पॉइंट की फॉल थी तो उसका 138.2% निकालोगे और उसको 15,183 में ऐड करोगे तो 17,408 का फिगर आता है। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आती तो थर्ड टारगेट खुल जाता था 598 का, क्योंकि वो 50%, ठीक है, 150% सॉरी, वो आपको कल भी समझाया था। तो ये है, मुझे लगता है निफ्टी 61.8% करेक्शन देगा, लेकिन क्या करेगा मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। पहले 16,608 लाएगा, उसके बाद वापस से 16,950 तक जाएगा या 17,000 तक जाएगा, फिर नीचे की तरफ ये 16,064 की टारगेट को इसी महीने में अचीव करेगा। ये मुझे चाल लग रही है जो मैंने आपको बता दी, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब निफ्टी का वीकली चार्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ अभी भी स्ट्रेंथ दिख रही है, इसको रेड होना जरूरी है, या फिर इसको कैसे बनना जरूरी है, इसको क्या बनना पड़ेगा, इसको शूटिंग स्टार बनना पड़ेगा, ऐसा रेड कलर का, ऐसा ऊपर से और नीचे नहीं, ये तो ओके, ये शूटिंग स्टार तो बन ही नहीं सकता, ये क्या बनेगा मालूम आपको, ये डोजी बन सकता है। कल इस वीक की ओपनिंग क्या, 17,243, यस, ये डोजी बना देगा कल। कल क्या करेगा, ये नीचे जाएगा 940 तक, लेकिन वापस क्लोज करते वक्त 240 पे क्लोज करेगा, ये हो सकता है। इसको क्या बना सकते हैं हम लोग, रेड बनाए तो ओपनिंग तो चेंज नहीं कर सकता ना मैं, 243 है ओपनिंग तो वीक की। स्पिनिंग टॉप बनेगा,
शूटिंग स्टार ही बनेगा। करेक्ट, थोड़ा अलग टाइप का शूटिंग स्टार बनेगा, कुछ ऐसा इस अंदाज का शूटिंग स्टार बनेगा। इसमें रेड कलर रहेगा, ऐसा बनेगा कैंडल ये वीकली, कल ऐसा चेंज हो जाएगा जो अभी आपको ऐसा दिख रहा है। तो बहुत ज्यादा चांस है कल, बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी तो परफेक्टली शूटिंग स्टार बनने के लिए रेडी है, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, और वेबिनार के लिए भी कल लास्ट डेट है 25,000 वालों के लिए, बाकी सब वीडियो कई बार डाल दिया, जिसको करना रहेगा कल तक लास्ट डेट 25,000, उसके बाद 30,000 लगेंगे। और अगले महीने उसके बाद सितंबर में अगर आपने ज्वाइन किया 5 सितंबर के बाद तो 35,000, ठीक है। के कल ये ब्रेकआउट रीटेस्ट होगा निफ्टी में, देखते हैं अगर ये कल रीटेस्ट होगा तो कल कितना लो बन सकता है। 36,437 का लो दिखा रहा कल के लिए निफ्टी में, देखते हैं। टाइम निफ्टी कल नहीं करेगा, निफ्टी मंडे ट्यूसडे को करेगा टेस्ट। अब देखिए लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ये सब सितंबर के लिए। और या फिर इसको क्रॉस करो 980 को, तब बड़ा ब्रेकआउट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। लाइक्स दे दीजिएगा।